ये लीजिए मल्हार जी। क्यों मल्हार जी, आप तो चाइना जाकर आए, ये चम्मच वगैरह से क्या खा रहे हैं आप? अब तो आप चॉपस्टिक से खाएंगे ना। मैं कह रही हूँ चॉपस्टिक के साथ नूडल्स खाने का ना मजा ही कुछ अलग है, है ना? मैं तो कह रही हूँ पिल्लू तुम ना अपने बाबा से चॉपस्टिक यूज करना सीख ले। अरे जैसे इन्हें चाइनीज सुंदर लड़कियों ने चॉपस्टिक यूज करना सिखाया होगा, वैसे बाबा अब तुझे भी तो सिखा सकते हैं ना। तो आपको पहले से पता था ना कि आपका आज ये भांडा फूटने वाला है, इसलिए आप सबके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं। अब कौन सा भांडा फूट गया? चांदी चौक तो चाइना वाला भांडा। सबके लिए गिफ्ट लेकर आए, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं लाए ना। कल्याणी वो गिफ्ट एबी ने हम सब कल्याणी कल्याणी लग रही। ये नाइटी अच्छी नहीं लग रही ना। पता था मुझे, मैं ऐसे कपड़े कैरी नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे कपड़ों में कभी अच्छी नहीं लग सकती। किसने कहा तुमसे? तुम कोई भी कपड़े पहन लो, कपड़ों की सुंदरता बढ़ जाती है, और तुम्हें खूबसूरत दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझसे पूछो तो मुझे तुम साड़ी में सबसे अच्छी लगती हो। अभी आई कल्याण,
पिल्लू जा, जा क्या होगा? पिल्लू जा क्या? तो तुम ही हो जिसने मुझे फोन किया था। अंकल आप तो वही है ना जिसने मुझे मेरे बाबा के बारे में बताया था। अब जब आपने मुझे मेरे बाबा के बारे में बता दिया है तो फिर मैं झगड़ा नहीं करूँगा। पर आप हमारे मैदान पर बिल्डिंग तो नहीं बना सकते। और अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो? मैं लो मान ली तुम्हारी बात। अब इस ग्राउंड पे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। अब तो खुश हो ना? सच अंकल? देखा चिकल है कि नहीं अपनी वर्ड। सर आप सीरियस तो नहीं है ना? हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मोक्षी मुस्कुराहट के आगे उन करोड़ों की कोई कीमत नहीं। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं तो मेरी भी एक शर्त है। हर रोज पहले बैटिंग मेरी होगी। चलेगा। चिकल बैट पकड़। आखिर कितने ऑफिसर ऐसी बहादुरी दिखाकर देश के लिए कुर्बानी देते आए हैं। मिस्टर मनहार इस एसीपी की पोस्ट को सिर्फ तुम डिजर्व करते हो। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और जैसा कि तुमने मांगा था मिस्टर एबी के लिए लेटर ऑफ ऑनर। अगर कोई सिविलियन भी देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखता हो तो उसे भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हेलो बेबी, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि आपने जरूर मुझे ये बताने के लिए फोन किया होगा कि आज रात को हमारा डिनर का प्लान है। मुझे याद है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए तुम्हें स्पेशल ऑनर से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई छोटा मोटा केस चल रहा होगा तो वो भी रद्द कर दिया जाएगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है तुम किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगे। नहीं नहीं, कोई केस नहीं चल रहा है मेरे खिलाफ। बट थैंक्स फॉर द ऑनर। आपके डिपार्टमेंट के दिए हुए सर्टिफिकेट को मैं प्राउडली हमेशा अपने साथ रखूंगा। वैसे आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। इनफैक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी वाइफ के लिए भी एक सरप्राइज है। चलिए शाम को मिलते हैं। आपकी फैमिली से मिलने का अब और इंतजार नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक अरसे के बाद अपनों के पास लौट कर वापस जा रहा हूँ। मैं समझा नहीं अभी। समझाऊंगा शाम को डिनर पर। अभी सारी बातें हो जाएंगी तो फिर शाम को क्या बात करेंगे। चलिए सी यू बाय।
क्या? मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कि वो साबुदाना। साबुदाना? हाँ, वो साबुदाना की खीर बना दूँ मैं मीठे में। साबुदाने की खीर? हाँ, साबुदाना की खीर। साबुदाना की खीर, साबुदाना की खीर, साबुदाने की खीर। कल्याणी, इतने दिनों बाद तुम्हारा पति घर वापस आया है और उसे अपनी एसीपी की पोस्ट वापस मिल गई है और तुम साबुदाने की खीर खिलाओगी। एसीपी मलाजी, आपको आपकी पोस्ट फिर से मिल गई? आपने मुझे बताया क्यों नहीं मलाजी? हाँ कल्याणी, मुझे मेरी पोस्ट वापस मिल गई और एबी को महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट ने स्पेशली फैसिलिटेट किया है स्पेशल ऑनर से। और क्यों ना हो, देश की रक्षा उसने भी की है। अच्छा, बहना तो... क्या, कहाँ जा रही हो? वो कुछ कहना है तुमसे। क्या? आई लव यू। अमल है जी, आप तो वापस आकर एकदम नए और इम्प्रूव मलाजी बन गए। अच्छा, रोमांटिक प्यार भरी बातें कर रहे हैं और ऊपर से कल सबके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए। गिफ्ट्स? कौन से गिफ्ट? मुझे याद नहीं है। इतने भुलक्कड़ हो गए आप मलाजी। अरे कल ही तो आप सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, मेरे लिए वो नाइटी। आप कभी सही हैं, पहले आप खुद मेरे लिए नाइटी लेकर आते हैं, फिर जब मैं वो पहनती हूँ तो फिर आप मुझे कहते हैं कि नहीं, मैं तो साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ। आप भी ना मलाजी, आपका ना कुछ समझ में नहीं आता। कल्याणी, मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? मैं ढूंढ के देती हूँ। आओ सर, मैं दवाई ढूंढ के देती हूँ। नाइटी? तुम जा सकते हो। मैडम का नॉन अवेलेबल वारंट लेकर आई हूँ। देशद्रोही होने का इल्जाम है इन पर। किसी भी हालत में इन्हें फेल नहीं मिलनी चाहिए। ओ, हेलो दीदी, तू जो चाहे कर लो। देखो, मेरे साथक जी मुझे निकाल कर लेकर जाएंगे। मेरी खबर भिजवाई है उनके पास, वो मुझे यहाँ से छुड़ा कर लेके जाएंगे। तुम जो कर सके कर लो। हाँ पवार, बताओ क्या हुआ? साथक जी, आपको मैंने फोन करवाया था यहाँ से। मैं 2 दिन से जेल में हूँ, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए एक बार भी? और देखिए ना, ये अनुप्रिया जी क्या कर रही है। इन्होंने मेरे अगेंस्ट ये नॉन अवेलेबल वारंट निकलवाया ताकि मैं जेल से नहीं निकल पाऊँ, बट मैंने इन्हें बोला कि मेरे सार्थक जी मुझे किसी भी जेल से निकाल सकते हैं, इन्हें जो करना है कर ले। सार्थक जी, आप उधर क्या देख रहे हैं? सार्थक जी, मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए। जिम्मेदारी हूँ मैं आपकी, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते सार्थक जी। मैंने कई गलत कामों में आपका साथ दिया है, अगर मैं जेल गई ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, आपको भी साथ लेकर जाऊंगी, याद रखना। ऐसे ही धीरे धीरे ताली बजाकर आप मेरा और मेरी बेटी का मजाक उड़ाते थे ना, मुझसे तो आपको बहुत शर्म आती थी। आपके दोस्तों के बीच में जाने के मैं लायक नहीं थी, 4 लोगों के बीच में मैं बोल नहीं पाती थी। हाँ, आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ये ऐसे मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती थी, और ये तो हर तरह से आपके लायक थी। इससे तो आपको कभी शर्म नहीं आई। लेकिन हाँ, आज मुझे आप दोनों के रिश्ते पर शर्म आ रही है। शायद मैं ही बेवकूफ थी जो 21वीं सदी में भी मैंने आप जैसे इंसान पर भरोसा किया। पवार, आज के बाद मुझे अवनी का ना तो फोन आना चाहिए और ना ही तुम उसकी तरफ से मुझे फोन करोगे। मेरा इस औरत के साथ कोई लेना देना नहीं है। कैसे? पत्नी? साथ जी, एक बार याद रखना, आप अच्छा नहीं।
नहीं कर रहे हैं। वैसे छोड़कर नहीं जा सकते तुम मुझे। तुम पर बात कर दूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये भी मेरी पत्नी को नाइटी क्यों गिफ्ट करेगा? हो सकता है किसी और को देने के लिए लाया हो और गलती से कल्याणी के। पवार, मुझे ए बी के बारे में ए टू जी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका बैकग्राउंड निकालो, औरंगाबाद से पहले वो कहां था, क्या करता था, सब जल्दी से जल्दी। कॉल करो मुझे फिर।